नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बाटा इंडिया के रिजल्ट के बारे में और उसके बाद हम उसके लेवल्स और टारगेट के बारे में बात करेंगे, किस लेवल्स और टारगेट पे आपको बाय करना चाहिए और साथ ही आपको हम बताएंगे कि आगे आपको कौन सी स्ट्रेटेजी इसमें अपनानी चाहिए बाटा इंडिया में। दोस्तों बता दें कि ये स्टॉक्स कभी इतने हायर प्राइस पर और इतने तेज़ी से ग्रो हो रहा था, मतलब इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था कि इसमें हम भी बाइंग करने के लिए सोच रहे थे कि हम भी बाय करें, क्योंकि ये स्टॉक्स लगातार आगे ही बढ़ता जा रहा था। हम आपको चार्ट पे दिखाएंगे कि 2016 से ये स्टॉक इतनी तेज़ी से ग्रो हुआ है, इतना तेज़ी से इसमें मतलब तेज़ी देखा गया इस स्टॉक में कि हर कोई इसमें इन्वेस्ट करना चाहता था, लेकिन ये स्टॉक्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो ऐसे स्टॉक्स, ऐसे फेवरेट स्टॉक्स हमारे हैं ये बाटा इंडिया। तो इसी के रिजल्ट के बारे में आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें हमारे चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज हैं जिसे देख करके आप स्टॉक मार्केट सीख सकते हैं। तो चैनल पर जाइए, इन सारे वीडियोज को देखिए और स्टॉक मार्केट के बारे में सीखिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सीखिए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा जहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं ग्रो ऐप पर जीरोधा में, तो जाइए अकाउंट ओपन कीजिए और इन्वेस्ट कीजिए। चलिए हम रिजल्ट देख लेते हैं बाटा इंडिया का रिजल्ट कैसा रहा है। तो देख सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ स्टैंड लोन ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, जो ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है स्टैंड लोन, वो उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद हम इसके जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है उसको नहीं देखेंगे, क्योंकि स्टैंड लोन रिजल्ट ही हमारे लिए इनफ है बाटा इंडिया का जो स्टॉक्स है उसके लिए। तो चलिए हम मुख्य रूप से स्टैंड लोन रिजल्ट को ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम रेवेन्यू देख लेते हैं फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब जो कामकाज है, जो हमारा इसका बिजनेस है बाटा इंडिया का, उससे रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है। तो सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ से 6,197 करोड़ इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पिछला क्वार्टर था उसके कंपेयर में काफ़ी कम है। पिछले क्वार्टर में 8,296 करोड़ था जो रेवेन्यू था, तो रेवेन्यू में डिक्रीज हुआ है, तो निश्चित है कि प्रॉफिट में भी डिक्रीज देखने मिलेगा। उसके बाद देख लेते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में डिक्रीज हुआ है, मतलब मार्च क्वार्टर 2019 में ये हमारा रेवेन्यू था 6,793 करोड़, तो उससे भी बहुत सारा ज़्यादा कम है। उसके बाद अदर इनकम जो है हमारा, उसको देख लेते हैं, 170 करोड़ पिछले क्वार्टर में था, फ्लेट रहा है। उसके बाद जो पिछला साल था 2019 का मार्च क्वार्टर, उसके तुलना में काफ़ी कम है, देखते हैं 279 करोड़ था, उससे काफ़ी कम है। तो चलिए इनकम में देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हुआ है हमारा इस क्वार्टर में। उसके बाद एक्सपेंस देख लेते हैं, क्योंकि हमारा जो कोविड-19 है इसके कारण जो ऑपरेशंस है वो पूरी तरह से रुक गए हैं, मतलब जो भी प्रोडक्ट तैयार हुआ होगा बाटा इंडिया का वो सेल नहीं हो पाया होगा, तो वैसे में जो बहुत सारे फिनिश्ड गुड है वो भी रखा हुआ होगा, तो वैसे में एक्सपेंस जो है क्या हुआ है देखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल देख सकते हैं, रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है वो 967 करोड़, और पिछले क्वार्टर में जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट था 493 करोड़, तो कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल का देख सकते हैं कि बढ़ चुका है। उसके बाद 696 करोड़ रॉ मटेरियल का कॉस्ट था मार्च क्वार्टर 2019 में, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस भी रॉ मटेरियल का कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, तो निश्चित है प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने मिलेगा क्योंकि सेल्स भी कम हुआ है। उसके बाद परचेज ऑफ ट्रेडेड गुड्स, जो ट्रेडेड गुड्स है उसका जो परचेज हुआ है वो कितना है, 2,875 करोड़, पिछले क्वार्टर की तुलना में देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है, 1,735 करोड़ था जो ट्रेडेड गुड है उसका कॉस्ट। तो यहाँ पर देखते हैं परचेज जो हुआ है ट्रेडेड गुड्स, उससे इस बार मार्च क्वार्टर में बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट बढ़ गया है। उसके बाद ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें तो थोड़ा डिक्रीज हुआ है, 3,177 करोड़ था मार्च क्वार्टर 2019 में, इस तो ईयर ऑन ईयर बेसिस ये डिक्रीज हुआ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस काफ़ी इंक्रीज हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड और वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब जो वर्क इन प्रोग्रेस था, क्योंकि जो वर्क प्रोग्रेस है बाटा के जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, और जो ट्रेडेड गुड्स है, और जो गुड्स ट्रेडेड हुआ लेकिन जिसका इनकम नहीं मिल पाया है अभी तक, मतलब जो कि पेमेंट नहीं हो पाया है, तो उस तरह के आप देख सकते हैं कि 1,286 करोड़, तो इतना का कुल जो है जो कि हमारा फिनिश्ड गुड्स है, या कहें वर्क जो प्रोग्रेस में है, मतलब जो कि प्रोग्रेस में चल रहा है, जो हमारा काम हो रहा है बाटा इंडिया का, जो बाटा का जूता और चप्पल जो भी सैंडल बनाना हो, तो उस कुल इतना का कॉस्ट है उसका।
वहीं हम पिछले क्वार्टर में बात करें तो ये जो था, मतलब पिछले क्वार्टर में जो वर्क इन प्रोग्रेस था या फिनिश्ड गुड था उसका जो कॉस्ट था 1,035 करोड़। वहीं हम बात करें कि पिछले साल के मार्च क्वार्टर में जो फिनिश्ड गुड था या गुड जो कि प्रोग्रेस में था उस क्वार्टर में था, रिजल्ट पब्लिश के समय कितना 958 करोड़। तो इसके कंपेयर में देख सकते हैं कि लॉकडाउन के इफेक्ट के कारण 10 दिन का जो इफेक्ट हुआ तो उस 10 दिन में जो भी गुड फिनिश हुआ या गुड जो प्रोग्रेस में था, मतलब जो सामान सेंडर और जो भी हमारा सूज जो बन रहा था वो कुल बढ़ करके इतना करोड़ का हो गया। तो ये भी हमारा जो है प्रॉफिट इसके कारण भी डिक्लाइन होगा। तो उसी तरह से आप सारा यहाँ पर देख सकते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ये लगभग फ्लैट ही है। यहाँ से सारा कॉस्ट आप देख सकते हैं, ये भी कॉस्ट देख सकते हैं, एक फाइनेंशियल कॉस्ट जो फाइनेंशियल कॉस्ट है ये भी देख सकते हैं काफ़ी बढ़ चुका है। ईयर ऑन ईयर बेसिस देख सकते हैं काफ़ी बढ़, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस डिक्रीज हुआ है लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस काफ़ी बढ़ चुका है। उसके बाद एक और कॉस्ट और है यहाँ पर देख सकते हैं जो कि काफ़ी बढ़ चुका है, डिप्रेसिएशन एंड एमोर्टिसेशन एक्सपेंस, यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा दिक्कत है। तो ये भी हमारा जो है कॉस्ट काफ़ी बढ़ चुका है, देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो कॉस्ट भी देखा जाता है कि कौन सा कॉस्ट बढ़ा कौन सा कॉस्ट घटा। उसके बाद देख सकते हैं रेंट, ये रेंट का जो कॉस्ट है वो काफ़ी घट चुका है देख सकते हैं। तो एक यहाँ पर जो कॉस्ट है वो डिक्रीज भी हुआ है काफ़ी हद तक, देख सकते हैं 968 करोड़ था और ये घट करके हो गया 169 करोड़। तो काफ़ी रेंट का जो कॉस्ट है वो डिक्रीज हुआ है, अदर एक्सपेंसेस लगभग फ्लैट रहा है अदर एक्सपेंस। इस तरह से टोटल एक्सपेंस देख सकते हैं 5,794 करोड़ है, वह ईयर ऑन ईयर बेसिस के हैं। तो एक्सपेंस डिक्रीज है लेकिन थोड़ा सा कम है। तो यहाँ से सेल्स भी तो काफ़ी ज़्यादा कम था जबकि एक्सपेंस थोड़ा सा कम है, सेल्स काफी कम था एक्सपेंस बहुत ज्यादा कम है। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं अब प्रॉफिट का। तो आपने एक्सपेंस देख लिया कि एक्सपेंस लगभग सेम है लेकिन जो सेल्स है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो काफी ज्यादा कम हुआ है। तो अब हम जो है यहाँ से टोटल जो इनकम हो गया हमारा वो देख लेते हैं कि टोटल इनकम क्या हुआ है। तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम देख सकते हैं 377 करोड़, जो कि हमारा पिछले क्वार्टर से काफ़ी कम है देख सकते हैं 1,164 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस काफ़ी डिक्रीज हुआ है देख सकते हैं, काफ़ी डिक्रीज, कितना का डिक्रीज हुआ है तो लगभग ये हमारा जो है 67% का डिक्रीज हुआ है, अप्रॉक्स 67% डिक्रीज हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। फिर यहाँ देख सकते हैं इसके कंपैरिजन में ईयर ऑन ईयर बेसिस मार्च क्वार्टर 2019 में था 865 करोड़, इसके बेसिस पे भी काफ़ी डिक्रीज हुआ है 57% के आसपास, मतलब 56 के अप्रॉक्स जो है इतना परसेंट जो है 56% के अप्रॉक्स जो है डिक्रीज हुआ है प्रॉफिट में। तो समझ सकते हैं वो इसका कारण क्या था, जो फिनिश्ड गुड है मतलब जो एक्सपेंसेस है कंपनी का वो काफ़ी हद तक बढ़ गया और जो हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो भी डिक्रीज हो गया जिसके कारण प्रॉफिट में भारी गिरावट देखने मिला है। तो हो सकता है अब स्टॉक में आपको भारी करेक्शन भी देखने मिले, ये मुख्य रूप से मार्केट के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। अब हम अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं, अर्निंग पर शेयर क्या है क्योंकि मेन इंपॉर्टेंस रखता है अर्निंग पर शेयर। तो 2 रुपीज़ 93 पैसा, मात्र 2 रुपीज़ 93 पैसा, पिछले क्वार्टर में देखते हैं 9 रुपीज़ 12 पैसा था और वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपेयर करें तो 6 रुपीज़ 87 पैसा था। काफ़ी देख सकते हैं काफ़ी 70% के अप्रॉक्स 60-70% के अप्रॉक्स डिक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस। और यहाँ से आप देखेंगे तो काफ़ी डिक्रीज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तो काफ़ी डिक्रीज हुआ है। तो इतना डिक्लाइन हुआ है अर्निंग पर शेयर में तो निश्चित है कि कंपनी के स्टॉक में करेक्शन आपको देखने मिलेगा। तो चलिए हम स्टॉक को डिस्कस कर लेते हैं कि स्टॉक अभी किस प्राइस पर चल रहा है, आगे इसमें क्या स्ट्रेटेजी आपको अपनानी चाहिए। बट इंडिया का यहाँ करेंट मार्केट प्राइस आप देख सकते हैं 1,277 रुपीज़ है, तो जो कि देख सकते हैं पिछले ट्रेडिंग डे 24 रुपीज़ डाउन है और इसमें और आपको करेक्शन देखने अब मिल सकता है क्योंकि एक्सपेंस में बढ़ोतरी के कारण रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कमी के कारण प्रॉफिट में काफ़ी फॉल आया है। डिविडेंड यील्ड देख सकते हैं 0.49% का है और 52 वीक हाई देख सकते हैं 1,895 रुपीज़, मतलब अप्रॉक्स 1,900 का स्टॉक्स था, अभी भी आपको 600 के करेक्शन पर मिल रहा है।
है, समझ सकते हैं। 5 डेज का चार्ट देखेंगे तो फ्लैट रहा है, 1 मंथ का चार्ट देखेंगे तो लगभग फ्लैट है, 6 मंथ का चार्ट देखेंगे तो काफ़ी गिरावट आई है। 6 मंथ में देखते हैं तो काफ़ी गिरावट, अप्रॉक्स 30% का गिरावट है। ईयर टू डेट में देखिएगा तो काफ़ी गिरावट है, अप्रॉक्स 31% का गिरावट। 1 ईयर में देखिएगा तो काफ़ी गिरावट है, 1 ईयर में, 1 ईयर में अभी भी ये 3% का मात्र गिरावट है 1 ईयर में। 5 ईयर्स में देखिएगा, तो 5 ईयर्स में अप्रॉक्स ये 149% का रिटर्न अभी भी ये दे रहा है। समझ सकते हैं ये स्टॉक्स कितना बेहतरीन है। लॉन्ग टर्म चार्ट देखिएगा तो आपको हमने पहले ही कहा था कि देख सकते हैं 2016 नवंबर से ये स्टॉक्स कभी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, नया पर नया हाई बनाते जा रहा था। और वहाँ से देख सकते हैं ये अप्रॉक्स 336% का रिटर्न दे चुका था मात्र 2016 के नवंबर महीने से। तो समझ सकते हैं कितना बेहतरीन ये स्टॉक्स था। हम भी इसमें 2018 से इस स्टॉक को देख रहे थे, कभी भी इन्वेस्ट करने का ये मौका ही नहीं दे रहा था ये स्टॉक्स। समझ सकते हैं कितना बेहतरीन चार्ट है इस स्टॉक का। अब हम बात करते हैं इसका लेवल्स और टारगेट। दोस्तों मार्केट कैसा रिएक्ट करता है इसके रिजल्ट पर, ये आपको कल ही देखने मिल जाएगा। हम तो आपको कहेंगे अभी आप इस स्टॉक को अवॉइड करें। अगर मार्केट में ही तेजी होती है, मार्केट में ही रिकवरी होती है, तभी स्टॉक में भी आपको मोमेंटम देखने मिलेगा। नहीं तो जितना इसका रिजल्ट बुरा आया है लॉकडाउन के कारण, और भी आगे लॉकडाउन रहा है, 2-2 महीने इसका कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ है, तो समझ सकते हैं इस स्टॉक में आपको हो सकता है करेक्शन देखने मिले। तो ऐसे में आप इस स्टॉक को अभी अवॉइड करें, सिर्फ वेट एंड वॉच करें, अपने वॉच लिस्ट में लगा के रखें, इसे वेट एंड वॉच करें। जैसे इसमें करेक्शन आता है और आपको मतलब जैसे 1000 के प्रॉक्सी स्टॉक मिलता है, तब जरूर आप इसमें SIP मोड में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें। SIP करने से क्या होगा, आप हर प्राइस पर, हर गिरावट पर, हर तेजी पर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे, जिससे आपको एवरेज प्राइस एक बहुत ही अच्छा मिलेगा, जिससे आपको अच्छे रिटर्न भी मिलेंगे। ऐसे फंडामेंटली ये स्टॉक्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमारा जो सिचुएशन अभी कुछ दिनों तक नॉर्मल होने में टाइम लगेगा, और ये हमारा एसेंशियल प्रोडक्ट में नहीं आता है। सबसे बड़ी बात है कि इसके जो प्रोडक्ट है वो एसेंशियल प्रोडक्ट में नहीं आता है कि जिसको हमें यूज करना ही करना है, क्योंकि अभी सिर्फ लाइफ को सर्वाइव करने पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो ऐसे में आप इन स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें, तो जो FMCG के प्रोडक्ट है उसमें इन्वेस्ट करें, फार्मा के प्रोडक्ट है उसमें इन्वेस्ट करें, मतलब वैसे कंपनियों जिसके प्रोडक्ट अभी भी सेल हो रहे हैं उसमें इन्वेस्ट करें। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।